बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन हज़रात, आज की ये बावकार तकरीब हम पाक फ़ज़ाइया के मीरे कारवां जनाब एयर चीफ़ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, वर्साए शहदा गाज़ियान फ़लकज़ात, पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और दीगर मेहमान गरामी को खुश आमदीद कहते हैं। मुजाहिदीन अफलाक को सलाम। आज का दिन एक तारीख साज दिन है। आज का दिन सलाम पेश करने का दिन है उन बेटों को जो वर्दी के पैरहन में लिपटे उन सजीले जवानों को जो अपने खून से तारीख रकम कर रहे हैं। ये वतन, हमारा वतन पाकिस्तान, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंतहाई बारीकी से बुना अल्लामा इकबाल का वो तखय्युल है जो तकमील के मराहिल तय करता हुआ एक ममलिकत बना और हासिल की हमने आज़ादी। ख़वातीनो हज़रात, यौमे फ़िज़ाइया हुर्मते वतन की आबियारी का दिन है। अर्ज़े पाक की रखवाली करते हुए जान देकर जावेदा हो जाने वाले शोहदा को सलाम पेश करने का दिन है। यौमे फ़िज़ाइया शुजात और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान ही नहीं है बल्कि वतन अजीज़ की फ़िज़ाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की अलामत भी बन चुका है। इन्हीं दास्तानों में जुड़ी है कुछ ऐसे मुजाहिदों की कहानियाँ जिसमें सबसे पहले 1965 के गाजी इम्तियाज़ भट्टी की ज़िंदगी पर मबनी देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। 1 सितंबर को जंग के आगाज़ के साथ ही पाक फ़ौज ने छम्ब सेक्टर में दुश्मन फ़ौज पर हमला कर दिया। बुजदिल दुश्मन ने पसपाई की खिफत मिटाने के लिए 4 वैम्पायर तैयारों की एक फॉर्मेशन अपने ज़मीनी दस्तों की मदद के लिए भेजी। सरगोधा एयरबेस के एडीए हट में उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी अपने कमांडर स्क्वाड लीडर सरफराज रफीकी के साथ ड्यूटी पर मामूर हैं। एडीए का सायरन बजते ही ये दोनों शेरदिल शाहीन अपने F-86 तैयारों की तरफ लपके और चंद मिनटों में छम्ब के महाज पर उनकी उकाबी निगाहें दुश्मन के जहाज़ों को तलाश कर रही थी। अगले चंद लम्हों में रफीकी दो भारतीय जहाज़ों को अपनी गोलियों का निशाना बना चुके थे जबकि भट्टी अपने जहाज़ को तीसरे वैम्पायर के अक्म में पोजीशन कर चुके थे। चश्मे जदन में ही इनके F-86 तैयारे से आग बरसती गोलियों ने दुश्मन के जहाज के परखचे उड़ा दिए। अब भट्टी ने चौथे वैम्पायर को भी शिकार करने का फैसला किया। भागते हुए वैम्पायर से अपना फासला कम करते हुए भट्टी ने एक बार फिर गोलियों की बौछार कर दी जिससे दुश्मन तैयारे को काफी ही नुकसान पहुंचा। आखिरी हरबे के तौर पर दुश्मन हवाबाज अपने जहाज को 200 फुट से भी नीचे ले गया लेकिन भट्टी ने यहां भी उसका ताकुब जारी रखा। दुश्मन हवाबाज अपने शिकस्ता तैयारे पर काबू न रख सका और जमी बोस होकर खाकस्तर हो गया। आने वाले दिनों में फिरोजपुर की फजाओं में दुश्मन के नेट तैयारे की तबाही और दूसरे को जुजवी नुकसान पहुंचाने के अलावा वो अमृतसर रेडार स्टेशन को तहस नहस करने वाली फॉर्मेशन का भी हिस्सा थे। इस नाकाबिल फरामोश जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा। भट्टी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो एक सवाल जहन में आता है कि अगर देखा जाए फॉर्मेशन वाइज तो आपका ताल्लुक 15 स्क्वाड्रन से था और रफीकी साहब नंबर 5 स्क्वाड्रन में थे, तो आप दोनों एक साथ फॉर्मेशन में किस तरह हुए, ये कैसे हो पाया, ये ज़रा हमें बताइए। मेरी जब स्क्वाड्रन में पोस्टिंग हुई तो 19 स्क्वाड्रन वो था, रफीकी साहब फ्लाइट कमांडर थे, तब से मेरी उनके साथ एसोसिएशन चल रही थी। तो 1 सितंबर को सुबह 4 बजे से लेके हम लोग ड्यूटी पे थे सारा स्क्वाड्रन। 12 बजे के करीब रफीकी साहब अपने स्क्वाड्रन पायलट्स को लेके वहाँ पहुँच गए और कहने लगे भाग जाओ भाई, अब हमारी बारी है। तो मैं, अल्लाह की देन होती है ये, मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा सर मैंने आपसे कभी सिफारिश नहीं की, कोई चीज़ मांगी नहीं। कहने लगे आई नो दैट, मांग लो। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मुझे कहने लगे जितना तुम्हें जाने का शौक है उतना मेरे लड़कों को भी शौक है, तो ऐसे करो तुम अपने आप को नंबर 1 ही रखो जाने के लिए
और मेरे स्क्वाड्रन का कोई पायलट नंबर दो रख लो अपना, विच आई डिड। जब जाने का वक्त आया, 5 बज चुके थे शाम के, तो उन्होंने मेरी तरफ़ देखा, कहने लगे चलो फॉर ओल्ड टाइम सेक, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हुई थी फाइटर स्क्वाड्रन में 10 घंटे से कम मेरा तजर्बा था F-86 पे, और सारी मेरी ट्रेनिंग उनके हाथों में हुई हुई थी। ज़बरदस्त सर। सर हम जानना चाहेंगे हमारे जो F-86 एयरक्राफ्ट थे उनके मुकाबले में वैम्पायर टेक्नोलॉजी से कैसे कंपेयर करेंगे? स्ट्रेट विंग जहाज था, वो टर्न हमारे से बेहतर कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं तो हैरान हो रहा था उनको देख के कि लड़ाई में आ रहे हैं और क्लोज फॉर्मेशन में हैं। सर इस इनकाउंटर के बाद वैसे वैम्पायर नज़र नहीं आए कहीं भी? उन्होंने फ़ौरन वैम्पायर भी ड्रा कर लिए और रिकॉग्नाइजेंस ड्रा कर लिए, और उनकी जो एयरफोर्स थी वो हमारे से 5 गुना के बजाय 3 गुना भी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। 1965 के एक अजीम हीरो एयर कॉमोडोर इम्तियाज़ भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, आपकी भरपूर तालियों में इनको रुख्सत करना चाहेंगे। अब हम जिक्र करेंगे सन 1971 के उस जर्री सपूत का जो आखिरी दम तक शेरों की तरह लड़ा और दुश्मन की अददी बरतरी के बावजूद वो उन पर हावी रहा। देखते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट सईद अफजल की जिंदगी पर मबनी एक मोंटाज। सईद अफजल जून 1968 में बतौर फाइटर पायलट पाक फजाइया की शाहीनों की सफ में शामिल हो गए। 1971 के अवाखिर में पाक भारत कशीदगी के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट सईद को नंबर 14 स्क्वाड्रन ढाका में तैनात किया गया। मशरकी पाकिस्तान में पाक फजाइया के इस अकेले स्क्वाड्रन के मुकाबले पर भारतीय फजाइया के 10 स्क्वाड्रन तैनात थे। 4 दिसंबर 1971 का दिन तुलुए सुबह के साथ ही पाक फजाइया 2 इंटरसेप्शन मिशन उड़ा चुकी थी। तीसरे मिशन के लिए स्क्वाड्रन लीडर जावेद अफजल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सईद अफजल F-86 तैयारों में महवे परवाज हुए ही थे कि इनका सामना 4 इंडियन हंटर से हो गया जो ढाका एयरफील्ड पर हमलावर होने आए थे। शौक शहादत से सरशार सईद शायद इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने फौरन एक हंटर जहाज को अपने निशाने पर लिया और अगले ही लम्हे इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया। इसी असना में इंडियन मिग 21 और सू 7 तैयारों की एक और फॉर्मेशन भी हंटर्स की मदद के लिए आ पहुंची। सईद के पेश नजर सिर्फ ढाका एयरफील्ड का दिफा था और वो हर कीमत पर उसकी हिफाजत करना चाहते थे। उन्होंने कमाल महारत से दुश्मन को अपने नापाक अजायम से बाज रखा, मगर बदकिस्मती से इनका जहाज दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गया। इनके आखिरी अल्फाज ये थे, मेरा जहाज हिट हो गया है और मैं इजेक्ट कर रहा हूँ। ये इलाका बागियों के कब्जे में होने की वजह से उनका कोई सुराग न मिल सका, इसलिए उन्हें बाद अज़ां मिसिंग इन एक्शन होने की बुनियाद पर शहीद करार दे दिया गया। इनकी बेमिसाल जुर्रत और साबित कदमी के एतराफ में उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान इस जर्री शेर दिल सपूत के भाई कर्नल हमीद अफजल मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में इन्हें स्टेज पे दावत देती हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक पाक आर्मी से है, आर्मी उन्होंने ऑप्ट की, तो ये शाहीन बनने का फैसला सईद साहब ने कैसे किया, किसने इंस्पायर किया उन्हें? बेसिकली सईद को बचपन से शौक था जहाज उड़ाने का। बहरहाल यू राइट, मेरे फादर, दादा, मेरे परदादा सब आर्मी में ही थे, तो इसके लिए उन्हें अपने दादा की सिफारिश की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने फिर मेरे फादर को बोला कि इसको एयरफोर्स में भेजें। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स में 1968 में एज पायलट ऑफिसर वो कमीशन हुए। लेट मी से कि उसके अंदर एक बड़ी फाइटिंग स्पिरिट थी, बहुत फाइटिंग क्वालिटी थी, मतलब कि नेवर टू गिव इन, ही वुड नॉट सरेंडर। तो वो जो जज्बा था ना हारने का, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो जंग का मैदान हो, वही जज्बा लेके उन्होंने अपना ये मिशन मुकम्मल किया। हमीद साहब आपने इनकी फाइटिंग स्पिरिट का हवाला दिया, उनके डेयरिंग होने की बात की,
سعید صاحب واز ڈکلیئرڈ مسنگ ان ایکشن فار دا لانگیسٹ اور کافی عرصے تک ان کا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ وقت آپ کی فیملی کے لیے کتنا مشکل تھا بیکاز یو نیو ہز اسپرٹ؟ کیا یہ ایک امید جگاتا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے؟ جی جب خبر آئی تو اٹ واز اے گریٹ شاک. ان فیکٹ جب میرے والد آئے گھر پہ تو ان کے شاید چہرے پہ کوئی ایسے تاثرات تھے کہ میرے والدہ کو پتہ چل گیا کہ دیر از سم تھنگ ریئلی رانگ. اس وقت ہم تینوں بھائی دو فوج میں اور ایک ایئر فورس میں تھے, تو انہوں نے سوال کیا کہ کون سوال ہے, ہی سیڈ سعید. تو شی نیو کہ سم تھنگ سم ون ہیڈ بین یو نو مسنگ. تو بٹ دیر واز اے سلور لائننگ آئی کین سے اور اے رے آف ہوپ بیکاز ہی واز ڈکلیئرڈ مسنگ ان ایکشن. So, not a confirmed death. In the end, of course, found out that that was not to be. So, that was a big shock for the family. But my mother, my father, they were very brave. They took it very bravely. Maa hone ke naate, jab tak wo confirmed nahi tha, to she would keep going. You know, when the Biharis came, there were camps established. So, she would visit their camps with a photograph. کہ شاید کوئی ان کو اطلاع مل جائے کسی سے. تو اسی طرح ایک انسیڈنٹ ہوا, شی واز ٹریولنگ ٹو کراچی بائی ٹرین, اور اسی کے لیے کوئی شپ آ رہا تھا میرا خیال ایسٹ پاکستان سے ود انجرڈ اور مے بی بہاریز. تو سسٹر آئی شیل گو اینڈ لک ایٹ اپ, مے بی شی کین فائنڈ سعید اوور دیئر. تو ٹرین کے اندر ان کو رات کو خواب میں سعید آیا اور انہوں نے پوچھا کہ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لینے آ رہی ہوں, آئی ول ٹیک یو بیک ٹو پنڈی. تو انہوں نے کہا امی آپ میرے پیچھے مت آئیں, میں بہت خوش ہوں یہاں پہ اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں آپ کو واپس چھوڑ کے بھی آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ لیٹ می سے کہ اٹ ڈیڈ اس ویری پراؤڈ as a family. He fought very bravely, and for that the AFO also recognized him and awarded him the Sitara-e-Jurat, and he died with his boots on. Aapki bharpoor taaliyon mein hum ussat karenge Colonel Hamid Afzal sahab ko. Thank you sir. Thank you very much. Yahan pe inhone apni walida ka zikr kiya aur shayad aisi hi walidaon ko is qaum ki maaon ko khiraj-e-aqeedat pesh karte hue shayar ne kaha hai, اے پتر ہٹا دے نہیں وکتے. آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا ہادیہ ہاشمی کو. Thank you.
Ladies and gentlemen, please put your hands together for the 8-year-old wonder, Hadia Hashmi. अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं मिराज तैयारों के हवाले से 5 दिहाइयों पर मुहित एक दस्तावेजी फिल्म। 1965 की जंग में हासिल होने वाली बर्तरी को मजीद तकवीत देने के लिए एयर मार्शल नूर खान की कयादत में पाक फजाइया को जदीद खतूत पर अस्तवार करने का फैसला किया गया। 18 मार्च 1968 वो तारीख साज दिन है जब 6 मिराज तैयारों पर मुश्तमिल पहली फॉर्मेशन PAF बेस मसरूर पर लैंड हुई। इन जहाजों की पाक फजाइया में शमूलियत को अभी 3 बरस ही गुजरे थे कि शिकस्त खुर्दा दुश्मन ने एक बार फिर जंग का महाज खोल दिया। जंग के आगाज ही से मिराज तैयारों ने दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाकर पाक फजाइया की आला कयादत की दूरअंदेशी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अमृतसर एयरफील्ड की तबाही हो या मुकरियां रेलवे स्टेशन पर बमबारी, दुश्मन के इलाके में उसकी नकल व हमल और अहम तनसीबात पर नजर रखनी हो या फजाई मार्कों में दुश्मन के जहाजों को खाकस्तर करना, मिराज तैयारों ने फजाई जंग के हर मैदान में पाक फजाइया की बर्तरी साबित की। पाक फजाइया के बेड़े में शामिल मिराज तैयारों की कसीर तादाद को ऑपरेशनल रखने के लिए 1977 में कामरा के मकाम पर मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री कायम की गई। पाक फजाइया के बासलाहियत इंजीनियर्स और हुनरमंद टेक्नीशियंस की अनथक काविशों से इस फैक्ट्री में अब तक सैकड़ों मिराज तैयारों की ओवरहॉलिंग और अपग्रेडेशन हो चुकी है। 27 फरवरी 2019 को भारतीय अहदाफ पर पाक फजाइया के मिराज तैयारों की कामयाब ग्राउंड स्ट्राइक इन जहाजों की अफादियत और हमारे असलाफ की दूरअंदेशी की नाकाबिल तरदीद गवाही है। हम दावत देते हैं मिराज तैयारे के पाक फजाइया में बुनियाद रखने वाले हवाबाजों में से एक कोहना मश्क पायलट और दौरे हाजिर के उभरते हुए एक मिराज पायलट को इस्तकबाल कीजिए एयर वाइस मार्शल फारूक उमर और अपने वेटरन्स की तकलीद करने वाले फ्लाइंग ऑफिसर हसीब। फारूक साहब, हम आपको स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जब मिराज तैयारे को पाक फिजाइया के दस्ते में शामिल किया, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक नया तैयारा था, ये तमाम तर अमल कितना मुश्किल था? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जितने सिलेक्टेड पायलट्स लेड बाय एमएम आलम एंड अदर ग्रेट लीडर्स जिनका मैं जिक्र करूँगा, वो सब तजर्बाकार थे। दे वर ऑलरेडी एट द पीक and they had performed very well in 1965, so it took us no time. jab itne bade bade namon ke sath aap ikatthe ek formation mein fly karte honge, kya kaifiyat thi sir us waqt? ji, it was a great honor for me to be amongst the first 6 pilots selected for this purpose. mm alam ko to sari duniya janti hai, but after that was air chief marshal hakimullah, then wing commander hakimullah, unke sath sath एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान साहब, जो कि पहले फ्लाइट कमांडर थे, बाद में ऑपरेशंस ऑफिसर बने, एंड देन ही बिकेम कमांडर ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ मिराजेस। मैं पूछना चाहूंगा हसीब आपसे, कैसा महसूस होता है एक ऐसे तैयारे को उड़ाते हुए कि आपके हाथ में भी वही कंट्रोल स्टिक है जो आपसे पहले आपके हीरोज के हाथ में थी? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपना फाइटर कन्वर्जन कोर्स कम्प्लीट किया था और मिराज के लिए मेरा नाम सिलेक्ट किया गया था। लोगों का कहना था कि मिराज एयरक्राफ्ट एक मुश्किल जहाज़ है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वक्त के साथ ट्रेनिंग की और जब मैंने अपना पहला मिशन फ्लाई किया तो मेरे सारे शक और शुबात दूर हो गए। मिराज एयरक्राफ्ट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट। बेशक ये 1960s में इंडक्ट हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स में, आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू पाकिस्तान एयरफोर्स इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस जिन्होंने इसकी वेरियस अपग्रेड्स की और आज के जदीद तरीन जहाज़ों के साथ इसको मद्द मुकाबल खड़ा किया। आई फील रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू फ्लाई दिस मशीन जो हमारे हीरोज ने फ्लाई किया।
मेरा मैसेज जुमानों के लिए है, लव पाकिस्तान। Fight for Pakistan. And if need be, die for Pakistan. Pakistan, Zindabad. Thank you. God bless you. मिराज तैयारों को पाँच दहाई कामयाबी से कुव्वते परवाज अदा करने वाले इंजीनियर्स की नुमाइंदगी के लिए अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद रफ़ी साहब को। सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि 50 साल, 5 डेकेड्स, इतने बड़े टाइम स्पेंड में आपने मिराज तैयारी को हालत जंग के लिए कैसे तैयार रखा? 1965 वॉर के बाद ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडक्ट किए। पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप की ये फोरसाइट थी कि ये एयरक्राफ्ट अगर आज इंडक्ट हो रहे हैं तो कल इनका ओवरहॉल भी होना है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश हुआ। नतीजा ये था कि जब ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 10 से 12 साल उड़ चुके थे, इनकी ओवरहॉल बहुत ज़रूरी हो गई थी। और इस कॉम्प्लेक्स की एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये तमाम काम पाकिस्तान के अंदर हुआ। अगर ये चीज़ ना होती तो इन एयरक्राफ्ट को हमें फ्रांस भेजना पड़ता, क्या कीमत अदा करनी पड़ती अल्लाह बेहतर जानता है। अपने हाथ का जुड़ा हुआ एयरक्राफ्ट इतने अरसे तक, 5 दहाइयों से फ्लीट में शामिल है, परफॉर्म कर रहा है, क्या फीलिंग है सर? फीलिंग मैं आपको अपनी बता देता हूं। मैं फ्लाइट लाइन का इंचार्ज था एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट। जब पहला एयरक्राफ्ट ओवरहॉल हुआ था उस एयरक्राफ्ट का टेल नंबर था 101। जब मैं विंग कमांडर था यही एयरक्राफ्ट 101 सेकेंड ओवरहॉल के लिए कामरा आया। ये फीलिंग्स की बात है। उसके बाद मैंने जब ये तीसरी दफ़ा ओवरहॉल के लिए आया तो अल्लाह का एहसान है, आई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री। तो ये जो प्लानिंग हुई, जो एयरफोर्स की लीडरशिप ने की, इस फ्लीट को उस वक्त तक उड़ा सकती है जब तक वो चाहे इंशाल्लाह। पाक फजाइया की आज़ादी से लेकर आज तक का सफर दिलकश अंदाज में पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं हमारे और आपके जाने माने साहिर अली बग्गा। आजाद हुआ जाते मुश्किल से
वफा जो कर गए हैं पर काटने आए थे जो कभी सब दुश्मन खाक उतर गए हैं जाके मुश्किल से ये कह दे जो करना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का इंदराज पहली बार किया जा रहा है और इस मकसद खास के लिए उन अफराद का तायुन किया गया है जिन्होंने वक्त की कैद से आज़ाद होकर अपना काम पाक फजाइया के लिए वक्फ किया और वो काम पाक फजाइया की पहचान बना। अपनी आवाज़ के जादू से उन्होंने कई नस्लों के दिलों में वतन की मोहब्बत का बीज बोया है। 11 अगस्त 1955 को जन्म हुआ एक ऐसी आवाज का जिसने आने वाले दिनों में करोड़ों दिलों पर राज करना था। यह आवाज है आलमगीर हक की। मशरकी पाकिस्तान में पैदा होने वाले आलमगीर हक को अवैल उम्री से ही गाने का जुनून था और यही जुनून इन्हें 1971 में शहर कायद ले आया। जिंदगी की गाड़ी को रवादमा रखने के लिए उन्होंने तारिक रोड पर वाकई एक होटल में गाना शुरू कर दिया और उनकी सच्ची लगन और मधुर आवाज ने जल्द ही अपने कदरदान ढूंढ लिए। कुछ ही अरसे में पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के एक प्रोग्राम के ऑडिशन के लिए इन्हें बुलाया गया जहां मशहूर मौसीकार सुहेल राणा ने बतौर गिटारिस्ट अपने प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया। कुछ ही अरसे बाद उनका पहला गाना अलबेला राही मंजर आम पर आया जिसने इन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इनके फन गुलूकारी के एतराफ में इन्हें कई एजाजात से भी नवाजा गया जिनमें निगार अवार्ड और सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी खुसूसन काबिले जिक्र है। आलमगीर को पाक फजाइया से भी खास लगाव है जिसके इजहार में उन्होंने 1990 में पाक फजाइया के लिए मुजाहिदीन अफलाक के टाइटल से एक मिल्ली नगमा तख्लीक किया। उन्होंने न सिर्फ इस तराने की मौसीकी बिला मुआवजा तरतीब दी बल्कि अपने पुरजोश गायकी से इसके बोल जिंदा कर दिए। खूबसूरत शायरी और आलमगीर की खूबसूरत आवाज से तख्लीक करदा इस नगमे को 3 अशरे बीतने को हैं मगर इसके बोल आज भी हर पीर व जवां में एक नया जज्बा बेदार कर रहे हैं। आलमगीर की बेलौस खिदमात और इस इदारे से वालेहाना अकीदत के एतराफ में पाक फजाइया इन्हें सलाम पेश करती है। शामदेद आलमगीर साहब, हम आपकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज के इस पुरवकार तकरीब में आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम बड़े हुए सर आपके नगमे सुनते हुए, आपके सुरों से, आपकी आवाज में आपके वतन की मोहब्बत छलकती है। आज इस वक्त ये जो इस वक्त जो माहौल आज के लिए मेरे लिए बनाया गया है, जो मैंने सारी जिंदगी मैंने मेहनत की है और मेरा ड्रीम जो है, ये ड्रीम इस वक्त, ये वक्त जो है मेरा ड्रीम कम ट्रू है। सर, आपका गाया हुआ एक नगमा तुम ही से है मुजाहिदो, मैंने देखे हो इस नगमे को सुनते हुए कैफियत बदल जाती हैं। बिल्कुल। कैडेट्स, पायलट्स
इस नगमे को सुन के अपने अंदर एक बिजली, एक हरारत महसूस करते हैं। सर, कैसे ख्याल आया इस गीत को बनाने का? वाह, ये गाना नहीं है, ये एक फील है, फीलिंग, लव फॉर एयरफोर्स। और ये किस तरह ये बना है, इट्स सच अ प्रिटी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं अपना टूर पे 90s में आई वाज टूरिंग द होल वर्ल्ड। मैं कहाँ से कहाँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीका से मैं अमेरिका पहुँचा, वहाँ मेरे लॉस एंजल्स में मेरा शो था। तो उस वक्त, उसी दिन आई रिसीव अ कॉल, एंड अ वेरी सरप्राइजिंग कॉल फ्रॉम देन, एट दैट टाइम एयर चीफ साहब हकीमुल्लाह साहब, उनका फ़ोन आया। तो मुझे कहते हेलो आलमगीर बोल रहे जी, जी सर। कहते आलमगीर देखो, मैं नेक्स्ट ईयर मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं एक निशानी छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो आलमगीर प्लीज़ एयरफोर्स के लिए एक नगमा बना दोगे? तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड, एब्सोल्युटली इतना खुश हुआ था मैं। तो मैं भी सोचने लगा कि उन्होंने जब कहा कि निशानी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था कि मैं ऐसे वैसे थोड़ी बना सकता कोई, मुझे भी इस जान लगा के बनाना है कोई चीज जो वाकई निशानी बने। और जब भी वो शेर आता है शहीद की जो मौत है, वो वहाँ से मेरे लौंटे खड़े हो जाते हैं और मैं रो पड़ता हूँ। मेरे इस वक्त मैं रो रहा था बैठ के। जब मैं बना के गाना बना के जो मैं खुश हुआ हूँ कि आप लोगों में ये जो मैं सर्व कर सका, इससे बड़ा कोई अवार्ड होता नहीं है। This is the biggest award I've ever got in my life. हमारे जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, लेकिन इस मैसेज के लिए आपको गुनगुनाना पड़ेगा, अपने गीत के थ्रू अपने मैसेज देंगे। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी बड़ी शान, हम इसकी जान हैं, हम पाकिस्तान हैं। मैं दावत देना चाहूंगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करने के लिए सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान निशान इम्तियाज मिलिट्री को, कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथों से आलमगीर हक साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करें। ख्वातीन हजरात, आपकी भरपूर तालियों में। आज हमारे साथ दरमियान हमारे मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन एसएम हुसैनी साहब। जी हाँ, और आइए देखते हैं इस मुनफरिद आर्टिस्ट के फनपारों पर मबनी एक छोटी सी दस्तावेजी फिल्म। जनवरी 1951 में रावलपिंडी में जन्म लेने वाले सैयद मसूद अख्तर हुसैनी ने 1971 में 51वीं GDP कोर्स के साथ कमीशन हासिल करके वो पाक फजाइया में शामिल हो गए।
اپنے کیریئر کے اوائل میں آپ کی بنائی گئی پینٹنگز کی وجہ سے ایئر چیف مارشل انور شمیم نے انہیں پاک فضائیہ کی تاریخ کو کینوس پر منتقل کرنے کا فریضہ سونپا۔ انہوں نے اس اہم فرض کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور چند سالوں میں اس کام میں اس حد تک کامیابی حاصل کر لی کہ ایک پینٹنگز کو 1986 میں اسلام آباد میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ آج تک 300 سے زائد فن پارے تخلیق کر چکے ہیں۔ فن مصوری میں پیش کی گئی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ بصالت اور صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ حسینی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاک فضائیہ کے علاوہ برادر اسلامی ممالک کی فضائی افواج کے لیے بھی کئی فن پارے تخلیق کیے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی 50 سالہ تقریبات کے موقع پر محکمہ ڈاک نے جو یادگاری ٹکٹ جاری کیے وہ بھی ان کی پینٹنگز پر مشتمل تھے۔ اس کے علاوہ یوم دفاع کے موقع پر ان کی تصویری نمائش ملکی اور صوبائی دارالحکومت میں منعقد کی جا چکی ہیں۔ پوری قوم اور پاک فضائیہ گروپ کیپٹن حسینی کے ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور انہیں خلوص دل سے سلام پیش کرتی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی پاک فضائیہ کے عظیم آرٹسٹ گروپ کیپٹن ایس ایم حسینی کو۔ سر، واٹ این آنر ٹو ہیو یو ہیئر، اور مجھے یہ جان کے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے بھی آپ روم میٹ بھی رہے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے آج ہمارے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں۔ سر، مجھے یہ بتائیں کہ آرٹسٹ جو ہیں یہ یوزلی بڑے حسن پرست ہوتے ہیں، خوبصورتی تلاش کرتے ہیں، تو آپ نے جہازوں میں کیسے خوبصورتی تلاش کی یہ بتائیے۔ پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو ماحول ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور ایک مصور اسی ماحول میں رہ کے اپنی عکاسی بہتر طور پہ کر سکتا ہے اگر وہ اس کا حصہ رہا ہے۔ جب میں پینٹنگ بناتا ہوں تو شاید لوگ کہتے ہیں اس کی ریالٹی سی نظر آ رہی ہے۔ آئی تھنک دیٹ از ون آف دا مور ریزنس۔ اس میں گن کیمرہ فلم دیکھنا، لاگ بکس کنسلٹ کرنا، کبھی کبھی لوگ مجھ سے تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ یہ صبح اور شام پیچھے پڑا رہتا ہے، سوالات پوچھ رہے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ ایک دفعہ اے مارشل ظفر چودھری کو میں نے رات کے 10 بجے جب رنگ کیا کہ سر آئی ہوپ یو آر ناٹ سلیپنگ، تو کہنے لگے کہ یس ناؤ آئی ایم ناٹ سلیپنگ۔ کچھ پینٹنگس ہیں یا کہ 2-3 پینٹنگس کے میں اگر آپ کو نام دوں، وہ ان کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے۔ جیسے یہ پٹھان کوٹ اسٹرائک، جی یہ میں نے بنائی تھی، 1965 کا ایک حملہ ہے۔ یہ لوگ پوچھے یہ کیا ہے پینٹنگ، میں یہ پٹھان کوٹ پر حملہ ہے۔ لیکن کچھ جو تجزیہ کار تھے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ نہیں ہے، یہ پٹھان کوٹ پہ یلغار۔ دیر از اونلی ون مور پینٹنگ جس نے کافی یعنی کہ ہلچل وہ کی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ مراجز کا اسٹرائک تھا موکیریاں ریل یارڈ کے اوپر، اور یہ وہ واحد پینٹنگ تھی جس کے بارے میں میں نے انڈین بک میں پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دس اسٹرائک واز سپوز ٹو بی دا بیسٹ اسٹرائک بائی مراجز ان انڈیا۔ تھینک یو سو مچ حسینی صاحب، آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سابقہ ہمارے چیف مارشل جناب جمال احمد خان صاحب، جو کہ نشان امتیاز ملٹری اور ستارہ جرت ہیں، کہ وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ آپ کو پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں سابقہ ایئر چیف مارشل جمال احمد خان صاحب، نشان امتیاز ملٹری، ستارہ جرت۔ بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے۔ لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ گروپ کیپٹن ایس ایم حسینی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم سنیں گے پاک فضائیہ کا نغمہ اللہ اکبر۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے شجاع حیدر۔ وطن مجھے ہے اپنی جان سے پیارا،
नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा। दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। से प्यारा हो सदा सलामत रहे ये परचम हमारा। दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, मेरे संग उड़ रही है दुआ। अल्लाह अकबर। वो शेर जिनकी निगाह झुके तो हया, उठे तो अदा, और तिरछी पड़े तो कजा बन जाए। पेंसिर की जंग हो या पुलवामा, दुश्मन को लगा कि वो बड़ी आसानी से पाकिस्तानी सरहदों के खिलाफ वर्जी करते हुए अंदर आ जाएगा हमारी पाक सरजमीन के, और उसको बड़ी आसानी से हम वापस जाने देंगे। दुश्मन की तारीकी में घड़ी नापाक साजिश का जवाब पाक फिजाइया ने इतना मुंह तोड़ दिया कि जब तक वो जिंदा है वो ये जवाब याद रखेगा। इस कदर जामे जवाब के न सिर्फ उनके महफूज तरीन अस्करी ठिकानों को निशाने पर रखा, बल्कि दुश्मन के दो जहाज भी मार गिराए। आइए देखते हैं दुश्मन की साजिशों पर मबनी ये दस्तावेजी फिल्म। कश्मीर की कहानी हिंदुस्तान की तकसीम से लहू रंग है। गैर मुनसिफाना तकसीम के इस तरके ने पिछले 72 साल में दोनों मुल्कों को जंग और वादी के मुस्तकबिल को जबर, इस्तेहसाल और बदतरीन रियासती दहशतगर्दी दी। हिंदुस्तान की जमहूरियत कश्मीर के बाब में एक आमरियत ही रही, जिसका बुनियादी मकसद वादी के लोगों को इनके हक़ रायदही से महरूम रखना और इनको महकूम हैसियत तक महदूद रखना रहा। लेकिन हुर्रियत एक रवैये का नाम है। आज़ादी के ताकुब में लहू से चराग जलाने वाले ने सिर्फ हजरत इब्राहिम की सुन्नत में बेटे ही नहीं कुर्बान किए, इमाम हुसैन की तकलीद में अपना घर बार भी लुटाया है। इंसानियत की ये तस्वीर क्या कम है कि खवातीन आबरू रेजियों की, बच्चे पैलेट गन्स की, नौजवान गुमनाम अकूबत खानों की और आबादियां अंधे कवानीन की जद पे। हर रोज नई दिल्ली इस पुरानी आवाज को दबाने के लिए नया तरीका ढूंढती है। हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने से आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे हिंदुत्व के झंडे तले आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के सियासी जिंदगी से निकलकर समाजी मामूल में शामिल हो रहे हैं, और कश्मीर वाहिद मुसलमान रियासत होने के सबब इस आताब का खास निशाना है। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक खुदकुश हमले में 40 इंडियन पुलिस फोर्स के एहलकार अपनी जान से गए। बस के बाकी मुसाफिरों का ताल्लुक न सिर्फ हिंदुस्तान के 17 मुख्तलिफ इलाकों से था, बल्कि वो इन निचली जातों से भी ताल्लुक रखते थे जिन पे हिंदुस्तान की जमीन और आसमान दोनों तंग थे। इन हकायक से शक का इम्कान पैदा होता है कि क्या उड़ी और मुंबई की तरह पुलवामा हादसा भी एक खुद साख्ता वारदात तो नहीं। धमाके के फौरन बाद एक दीवानगी ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया।
हिंदुस्तानी हुकूमत ने सबूत से बेनियाज पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया और दो जौहरी रियासतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाक फजाइया की जंगी तैयारी जिस मौके की मुंतजर थी, वो हिंदुस्तानी हवाबाजों ने 26 फरवरी 2019 को मुहैया किया। जो ही पाकिस्तान के जहाज हवा में बुलंद हुए, भारतीय जहाजों को वापस लौटने की शर्मिंदगी उठाना पड़ी। हिंदुस्तान के सूरमा जिन लश्करों को नेस्तो नाबूद करके गए थे, बैनुल अक्वामी अखबारात में उनकी तादाद 4 दरख्त और 1 कव्वे की सूरत में शुमार की है। हिंदुस्तान के दिफाई फैसला साज न सिर्फ अपनी अहलियत के बारे में खुशगुमान थे, बल्कि इनका पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियत के बारे में अंदाजे भी गलत साबित हुए। भारत की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद की बातें सुन रहा था और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, ऐसे लग रहा था ये उस एयरफोर्स के कमांडर हैं जो दूसरी एयरफोर्स से 3 गुना बड़ी हो। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। 27 फरवरी की सुबह चढ़ते सूरज की हर रॉ पहली किरण ने देखा कि किस तरह एक एक कर कर 6 अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शाहीनों के जद में आने वाला SU-30 तो खैर लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ गिरा, मगर जाते जाते अपना एक और हवाबाज विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी मेहमान नवाजी के हवाले कर गया। इस जल्दबाजी और बदहवासी के आलम में हिंदुस्तान ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। पाकिस्तानी चाय को बहरहाल ये जुमला तादीर याद रहेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की दास्तान यूं तो तारीख का एक हवाला है, मगर आज पहली बार ये कहानी उनकी जबानी सुने जिन्होंने इसे रकम किया है।